देखिए आज दिन भर इनको मॉनिटर करना होगा और थोड़े थोड़े टाइम के बाद इनका बुखार भी चेक करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक्चुअल कंडीशन बता पाऊंगा कि इनकी क्या कंडीशन है। डॉक्टर आपसे जो बन पड़े आप कीजिए, पर प्लीज अयान को बचा लीजिए। अयान को कुछ नहीं होना चाहिए। पर डॉक्टर को अपना काम पता है, उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। हाँ कुछ नहीं होगा, हम है ना भाई को कुछ नहीं होने देंगे। आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, बस आज का दिन निकल जाएगा ना, कल रिपोर्ट आएगी, देखिए सब कुछ ठीक रहेगा। नर्स मुझे अपडेट करते रहिएगा। आई होप रिपोर्ट्स नेगेटिव हो, क्योंकि अगर फालतू की वजह से अयान को कुछ हुआ तो मैं फालतू को बर्बाद कर दूंगी, उसे मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी। माफ तो मैं भी उसे नहीं करूंगी, उसने मेरे बेटे का जीना मुश्किल कर दिया था और अब तो उसकी जान की दुश्मन बन गई है। इस लड़की का साया हमारे सर से उठेगा और हमारा परिवार फिर से खुशी खुशी साथ में रहेगा। नर्स, यस मैम, प्लीज आप हमारे अयान का ख्याल रखिए और अगर आपको कुछ भी चाहिए तो हमें प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दादाजी एक बार उनको फोन करो ना, पूछो ना कि मार्ट साहब कैसे उन्हें होश आया है ना। मैं तो अब उस घर में जा भी ना सकती, ना ही मारा कोई हक है मार्ट साहब का हालचाल पूछने का, पर ते पूछोगे तो मना ना करेंगे प्लीज। पर फोन करना क्यों है यार, फालतू अयान अपनी फैमिली के साथ है, वो लोग उसका ध्यान रख रहे होंगे ना, और जब उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम क्यों सोच सोच कर अपना दिमाग खराब कर रही हो यार। बस करो नील, क्या हर वक्त बेकार की बहस करते रहते हो। बेटिया अयान ठीक ही होगा, अब उसकी चिंता छोड़ दो आप। से कैसे छोड़ दूं चिंता दादाजी, मारे को लगता है मारे को उनके घर जाना चाहिए, भले बाहर खड़ी रहूंगी पर कम से कम पता तो चलेगा क्या हो रहा है। अरे कैसी बातें कर रही हो बेटिया, चुपचाप बैठी रहो, बाहर मौसम का क्या हाल है देखा है। रुको मैं जनार्दन जी को फोन करता हूँ, ठीक है लाओ। आ गए आप, एक बार अयान को बराबर चेक कर लेना डॉक्टर, तो मन की तसल्ली हो जाएगी। एक मिनट आप जाइए ऊपर प्लीज। आइए डॉक्टर साहब। हेलो, नमस्कार जनार्दन जी। हाँ ब्रिजमोहन जी, मैंने बस अयान के बारे में पूछने के लिए फोन किया है, कैसी है तबीयत उसकी? डॉक्टर अभी अभी आया है, वो अयान को चेक कर रहा है। पर आप फिक्र मत कीजिए और खास करके फालतू से कहिए कि टेंशन न ले, जैसे कुछ पता चलेगा मैं सामने से फोन करूंगा। जी ठीक है। ना दादाजी ऐसे आप बैठे ना रह सकती, मारे को उनके घर जाना होगा। लेकिन क्यों बिटिया, अभी सुना ना जनार्दन जी ने क्या कहा, कुछ भी होगा तो बता देंगे वो। पर मैं वहाँ कुछ होने का इंतजार ना कर सकती हूँ दादाजी, मैं ऐसे ना बैठ पाऊंगी, मारे से ना होगा, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ, डॉक्टर ने कुछ कहा? डॉक्टर ने कहा अयान के लंग्स को अफेक्ट हुआ है, आज की रात उसके लिए मुश्किल होगी, आप प्लीज नए डिवोर्स पेपर्स बनवाइए। जैसे ही आयु को होश आएगा वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन करेगा, क्योंकि अब मैं उस लड़की का साया भी मेरे बेटे पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन दोनों का डिवोर्स होगा ना, यही सबके लिए अच्छा होगा। आप प्लीज नए डिवोर्स पेपर्स बनवाइए। बस कर सविता, और कितना दोष देगी उस बिचारी बच्ची को, उससे ज्यादा किसी को परवाह नहीं होगी अयान की। परवाह थी माँ, अब नहीं। उस लड़की ने मेरे बेटे को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दी है, मेरे तो समझ में नहीं आता कि आप लोगों को दिखाई नहीं देता। वैसे भी आप लोगों को फालतू में कभी कोई दोष नजर ही नहीं आया। अब चाहे जो भी हो, वो लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। सविता, हैव यू लॉस्ट इट फालतू, तुमने देखा नहीं अयान की फैमिली ने कितना तमाशा किया यहाँ पे आके यार, और तुम्हारे वहां जाके चार बातें सुनने से क्या हो जाएगा, अयान की तबीयत ठीक हो जाएगी? पता ना, अरे को सच में लगा था कि अगर मैं मार्ट साहब से मुंह मोड़ लूंगी ना तो वापस अपने घर चले जावेंगे। अरे को क्या पता था कि वो जिद पकड़ के वहीं खड़े रहेंगे, जरूरत की थी उनको ये सब करने की। लेकिन बेटिया अब वहाँ जाने से क्या फायदा होगा, फिर से उन्होंने कुछ खरी खोटी सुना दी आपको तो। जिसको जो सुनाना है सुना ले, मुझसे हमारा फैसला ना बदलने वाला। अरे कुमार जाना ही होगा, आठ साहब की हालत मारी वजह से हुई है ना, तो बस फिर उन्हें ठीक भी मैं ही करूँगी।
अयान की बॉडी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड कर रही है, अभी इन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग चिंता मत करिए। पर डॉक्टर से होश कब आएगा? बेहोशी बुखार की वजह से है, लेकिन ये सब कुछ सुन सकते हैं, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई स्ट्रेसफुल बात मत कीजिएगा। दो तीन दिन में ही विल स्टार्ट फीलिंग बेटर, तब तक आप उसका ध्यान रखिए। अयान तुम हमें सुन पा रहे हो ना? हम सब तुम्हारे पास हैं। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ, सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। अब हमें इन्हें आराम करने देना चाहिए। वैसे भी पानी की वजह से इनका लंग इन्फेक्ट हुआ है, तो बेहतर यही होगा कि बाहर के किसी भी खतरे से इनको दूर रखा जाए। बस नर्स को यहाँ रहने देते हैं, बाकी आप सब आराम कीजिए। नहीं नहीं, मैं मेरे बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अयान की भलाई के लिए कह रहा हूँ, इन्हें अकेला रहने दीजिए। आप भी यहाँ बहुत देर से बैठी हैं, थक गई होंगी, तो प्लीज रेस्ट कीजिए। ओके डॉक्टर। हमें लगता है कि हमें जनार्दन जी को फोन करके बता देना चाहिए कि फालतू उनके घर जाने के लिए निकली है, ताकि वो अपने परिवार वालों को पहले ही समझा दे और फालतू को वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं खुद वहाँ जा रहा हूँ। आप क्या करोगे वहाँ जाकर? आपका तो कोई हक नहीं बनता ना इस मामले में। नर्स कैसी बातें कर रहे हैं आप उन सबको जानते नहीं है क्या? बात करने की तमीज नहीं है किसी को। मिस फैंसी ड्रेस को कच्चा चबा जाएंगे वो सबके सब। अकेली कैसे भिड़ेगी वो सबसे? मुझे जाना पड़ेगा। अरे वो बहू है उस घर की, वो अच्छी तरह से जानती है कि उन लोगों के साथ कैसे डील करना है। अच्छा तो आप क्यों उसकी चिंता में ऐसे सूख रहे हैं बताइए। नर्स मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, प्लीज। देखो नील, हमें फालतू की चिंता है इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके घर चले जाए। ये उसका पर्सनल मैटर है, हम बाहर वाले हैं और बाहर वालों को घर के मामलों में बोलने का कोई हक नहीं होता है। वारे मेरे भोले डड्स, कल तक तो आपने उसे अपनी पोती बना रखा था, दिल से दिल का कनेक्शन बना लिया था, और अब जब सच में उसको आपकी जरूरत है तो आपने खुद को उसके घर के मामलों से बाहर कर लिया। डड्स, प्यार से मिली तकलीफ का एहसास है मुझे, इसलिए समझता हूँ कि फालतू पहले से बहुत कुछ सह चुकी, पर वो नहीं, मैं चुपचाप यहाँ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, प्लीज मुझे रोकिएगा मत। नील सुनो बेटा, कैसी तबीयत अभियान की? बेटर है, डॉक्टर ने कहा है उसे अकेले आराम करने के लिए। पाठ साहब, व्हाट्सअप कैसे उन्हें होश आया? फालतू, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू आ गई। मेरी आंखें तरस गई थी तुझे देखने को। अच्छा हुआ जो तू आ गई फालतू। अयान अपने कमरे में है, बेहोशी की हालत में है, लेकिन डॉक्टर ने कहा फिक्र करने की कोई बात नहीं, वो सुन सकता है। तुम अगर जाकर उससे बात करोगी तो शायद तुम्हारी आवाज सुनकर उसकी रिकवरी जल्दी हो जाए। जी बाबा। हाँ बेटा, तुम ऊपर नहीं जा सकती। क्या मतलब है धारा? मैं क्यों ना जा सकती मार्ट साहब से मिलने? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू उससे मिले। मेरे बच्चे की ये हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है, अब तो मैं तुम्हें उसके आसपास भटकने भी नहीं दूंगी, समझी? ये क्या बचपना है सविता, हम सब जानते हैं अयान वहां अपनी मर्जी से गया था फालतू को मनाने के लिए। अब फालतू ये आई हुई है, तुम्हारा बेटा जल्दी से ठीक हो सकता है और तुम नहीं चाहती हो कि फालतू ऊपर जाए उससे मिलने? क्योंकि ये लड़की मेरे बेटे को खा जाएगी। जब से ये मेरे बेटे की लाइफ में आई है ना, कुछ भी सही नहीं हुआ है। एग्जैक्टली फालतू, दीदी सही कह रही है। जब से तुम अयान की जिंदगी में आई हो ना, तब से अयान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। तुम यहाँ क्यों आई हो? प्लीज यहाँ से चली जाओ। कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? फालतू भाभी को देखकर अयान भाई की तबीयत खराब कैसे होगी, बल्कि और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और क्या भाई, हमेशा से यही तो चाहता था कि फालतू वापस घर लौट आए, और अब जब फालतू वापस आ गई है, आप लोग देखिएगा भाई की तबीयत कैसे आज ही ठीक हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, फालतू अयान से नहीं मिलेगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि थैलोग इस वक्त मारे से नाराज हो, पर मारे को सिर्फ एक बार मार्ट साहब से मिलने दो। मारे को उनकी चिंता में रहा ना जा रहा था, इसलिए मैं यहाँ तक आ गई। ओह शट अप, ये झूठी चिंता का दिखावा मत करो तुम यहाँ पर। अगर तुम्हें अयान की इतनी ही चिंता थी तो क्यों अयान को बारिश में भीगने दिया तुमने? तनु, तमीज से बात करो। क्या गलत बोल रही है तनु? हम सब जानते हैं कि इस लड़की को मेरे बेटे की कितनी फिक्र है, और तुम, हम लोगों ने तो सोचा भी नहीं था
कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगे। जब हमारे घर में तुम थी तो मार्ट साहब कहते थकती नहीं थी। अब जब दूसरी जगह पे तुम्हें पनाह मिल गई तो इस तरह से सजा दे रहे हो तुम मेरे बेटे को। बस करो सविता, मेरे सब्र की परीक्षा मत लो। खुश हो गई तुम? हो गई ना तसल्ली तुम्हारी? हम दोनों के बीच भी कड़वाहट भर दी तूने। आज तक इन्होंने इस तरह से मुझसे बात नहीं की थी, तुम्हारी वजह से वो भी हो गया। तू भी तो पहले ऐसे नहीं थी ना सविता, और तू अपने बेटे की दुश्मन कैसे बन सकती है सविता? दुश्मन मैं नहीं, दुश्मन ये है माँ। चाहे कुछ भी हो जाए, इस लड़की को मैं मेरे बेटे के आसपास भी नहीं आने दूंगी। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। फालतू, वैसे भी तुम डिवोर्स पेपर साइन कर चुकी हो तो अब तुम्हारा अयान के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से जाओ। तलाक के कागज तो मार्ट साहब ने भी साइन किए थे ना, पर फिर भी वो मारे को मनाने आए थे। मैं जानू हमने कागज जरूर साइन कर दिए हैं, पर उन्होंने वो फाड़ के फेंक भी दिए, तो अभी तक हमारा तलाक ना हुआ है, और कानूनन अभी भी मैं उनकी पत्नी हूँ, तो मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ जहाँ चाहूँ उनसे मिल सकती हूँ, और मारे को कोई रोक ना सकता। किसी को हक ना है, लोग चाहे जितना मारे को कोस लो, पर इस बात से मुंह ना फेर सकते कि मार्ट साहब को मारे साथ की जरूरत है। उनकी खुशी मारे साथ है, तभी तो। अरे मना करने के बावजूद वो पूरी रात बारिश में भीगते रहे। फालतू, और मारे और मारे पति के बीच जो भी चल रहा है वो हमारा निजी मामला है, इसमें थे लोगों को बोलने का कोई हक ना बनता। शाबाश बेटा, बिल्कुल सही कहा तूने। इसकी जुबान दिन ब दिन लंबी होती जा रही है और आप इसे शबाशी दे रही है माँ। और तुम्हें तो तमीज सिखानी पड़ेगी ना। और एक बात मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये मेरा घर है। इससे पहले तो हमने ये भूल की तुझे इस घर की बहू बनाने की, लेकिन उस भूल को सुधारने का वक्त आ गया है, तो वापस इस घर में पैर जमाने के बारे में सोचना भी मत। मारे को भी ना कोई शौक ना है इस घर में रहने का, मैं यहाँ मार्ट साहब के लिए आई। हारे को तो यही लगता है ना कि मार्ट साहब का ये हाल मारी वजह से हुआ है, तो बस फिर अब मैं इस घर से उन्हें ठीक करके ही जाऊंगी। तुम्हें वापस अयान के पास तो मैं नहीं जाने दूंगी, पर मैं तुम्हें इसे रोकने नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब, तेने देखा अब इनका चेहरा हिला। अरे ये तो अच्छी खबर है। वैसे आप कौन हैं? जी मैं इनकी पत्नी हूँ। तारे को इनकी सेहत के बारे में कुछ भी बताना हो ना, आने को बता सकते हो, मैं यही हूँ इनके पास। देखिए हम इनके पास हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप जा सकती हैं। टेंशन क्यों नहीं लेगी,
बीवी है इसकी और अब वो यही रहेगी अयान के साथ इसी कमरे में। जी सर, किससे मिलना है आपको? नहीं, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, बट टेंशन मत लो, मैं यहीं बाहर वेट करूँ। सर आप बाहर वेट नहीं कर सकते, आप अंदर चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ। अरे कितने भोले हो यार तुम, मुझे बात बताओ, अगर मैं अंदर जा सकता होता तो मैं बाहर इंतजार क्यों करता, है ना? तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, बस मुझे यहाँ वेट करने दो, ठीक है? गाना सुनोगे? अरे सुन लो यार, ऐसे कैसे रुको। बढ़िया है ना? सर बाहर एक आदमी अपनी गाड़ी से आया है, कह रहा है फालतू मैडम के लिए आया है, उनकी जान पहचान का है लेकिन अंदर नहीं आ सकता है। मैं देख कर आता हूँ। तुम रुको, मैं देखती हूँ। और फिर देखना कैसे फटाफट मेरा पोता ठीक हो जाता है, नर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर बीवी से अच्छा ख्याल तो नहीं रख पाएगी ना वो? उसके बारे में हम बात बाद में करेंगे, फिलहाल आप पेशेंट के साथ हैं तो हम थोड़ी देर में आते हैं। बेटा सविता की बात का बुरा मत मानना, जब से अयान की तबीयत खराब हुई ना उसको होश ही नहीं है वो क्या कह रही है, पर मैं बहुत खुश हूं कि तू वापस आ गई है। अब देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, अयान भी ठीक हो जाएगा और फिर सविता के मन की कड़वाहट भी दूर हो जाएगी। वो दिल की बुरी नहीं है बेटा, पर जब उसके बच्चों की बात आती है ना तो थोड़ी ममता में बह जाती है। मैं समझ सकूं दादी से, पर वैसे भी मैं हमेशा के लिए ना रहने आई, मैं बस यहाँ तब तक हूँ जब तक आठ सब ठीक ना हो जाते। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही है बेटा? क्योंकि दादी साहब मैं थक चुकी हूँ, ऐजान हूँ तो हमारे से बहुत प्यार करती हूँ पर हमारे पास हिम्मत ना बची है, कोई भी हमारे बारे में कुछ भी कहता रहे और मैं चुपचाप सुनती रहूं। पूरे जीवन यही तो किया है, दूसरों के ताने सुने, सबके सवालों के जवाब दिए, पर अब बस मैं थक चुकी हूं। अदीसा मैं हमेशा सोचती थी कि इतनी मुश्किलों के बाद जो हमारा रिश्ता जुड़ा है ना उसे कोई ना तोड़ पावेगा, कोई बाहर वाला तो और भी ना, पर फिर पता चला हमारा रिश्ता ताश का एक घर था जो किसी की एक फूंक मारने से ढह गया। ऐसा मत कहो फालतू, अयान तुमसे बहुत प्यार करता है, तूने देखा नहीं, तुझे पाने के लिए देख उसने अपनी कैसी हालत बना दी है। दादी साहब इस हालत का कारण आठ साहब का हमारे लिए प्यार ना बल्कि खुद के किए पर शर्मिंदगी। तेरे को पता है अगर ये हमारे से सच में प्यार करते ना तो हमारे को कहीं जाने ना देते, वो तो रूहान ने आकर खुद इन्हें सच्चाई बता दी कि जो भी इनके मन में गलत फहमी है ना सब उसकी पैदा की हुई है, पर ना ये कभी ना आते हमारे पास, इन्होंने तो तलाक के कागज भी साइन कर दिए थे। अरीसा और हमारे को कुछ ना चाहिए, बस एक बार व्हाट्सएप ठीक हो जावे फिर मैं इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।